आप मेरे जेडीएस भाइयों, आप सभी को प्रणाम। हम आप लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं और साथ ही अपने इस ग्रामीण जेडीएस भाइयों के यूनियन लोगों से भी मेरा एक सवाल है, आखिर कब तक मेरे जेडीएस भाइयों को, भोलेपन जेडीएस भाइयों को आप मूर्ख बनाते रहेंगे? अलग अलग यह विलाप आप लोग जो छोड़ रहे हैं कि हम यह करा देंगे, हम वह करा देंगे, आप लोगों की यह नीति देखते हुए हमको लगता है कि बहुत मेरे जेडीएस भाई रिटायर हो गए, उनकी जीवन बर्बाद के तरह हो गई। आखिर कब तक, क्यों आप लोग अलग अलग संघर्ष करते हैं? एक यूनियन के लोग हड़ताल पे जाते हैं तो एक यूनियन के लोग कहते हैं कि हम हड़ताल पर नहीं जाएंगे, चंदा आप भी लेते हैं, चंदा वह भी लेते हैं, आखिर क्यों नहीं साथ मिलकर के आप लोग जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? यह कब तक मेरे भोलेपन जीजस भाइयों को आप लोग मूर्ख बनाते रहेंगे? मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, सभी जेडीएस भाइयों से, और मैं भी एक जेडीएस भाई हूँ, बहुत हो गया, इस पर लगाम लगनी चाहिए और सभी लोग एक झंडे के नीचे आकर के जेडीएस भाइयों के लिए लड़ें, तभी भलाई है। और ऐसा नहीं करते हैं तो अब हमारे जेडीएस भाई जाग चुके हैं और जो आप लोग यह लीला बनाए हुए हैं यह शोभनीय नहीं है। जितना आप लोग पर उंगलियां उठ रही हैं, हमारे जेडीएस भाई आप लोगों पर तर्क वितर्क कर रहे हैं, आप भी देखते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, मुझे नहीं सह पाए तो मैंने आज पुनः अपने मैसेज को डाल रहा हूँ। और जेडीएस भाइयों, आप लोगों से भी निवेदन है कि इन लोगों के बहकावे में न आए जो आपकी हकीकत में लड़ाई लड़ता हो। आप देखें कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, इतना आप नहीं जान पाते हैं। और शायद इतना जानते अगर कि झूठ और सही में क्या अंतर है तो आज हम लोगों की यह दिन दशा नहीं होती। तो हमें कहना है कि किसी के बहकावे में न आए, सच्चा जो आपका लड़ाई लड़ता हो, आप खुद समझदार हैं, होशियार हैं, हर एक जेडीएस भाई पांच गांव का सेवा करता है, तो आप यह तो जान ही जाते हैं यूट्यूब के माध्यम से कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। उसके बाद भी आप की शोषण की जाती है, यहाँ आइए, वहाँ आइए, यह करिए, वह करिए, और नहीं तो कई हमार दुआ बातों को लेकर के यूट्यूब के माध्यम से डाला जाता है, हमारे जेडीएस भाई समझ नहीं पाते हैं। हमें आपसे पूछना, एक सवाल पूछना चाहते हैं, ट्रेनिंग हमारे जेडीएस भाइयों का हुआ क्या? उनका भत्ता मिला? नहीं मिला। यूनियन कहाँ चली गई उस समय? दूसरी सवाल कि बिजली का सर्वे हमारे जेडीएस कर्मचारी सभी लोग मिलकर के किए, या कहा गया था कि एक गांव में 500 रुपया दिया जाएगा, किनको दिया, किनको मिला? आखिर आपकी यूनियन काहे लिए बनी है, लड़ाई कौन लड़ेगा? तो इन सब चीज़ों से हम यही कहेंगे कि आप लोग सावधान हो जाएं मेरे जेडीएस भाइयों, और जो भी यूनियन के लोग अगर झूठ झटाई बात करते हैं तो मुंह तोड़ जवाब दें। अगर ग्रुप में आप हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हैं, तो कब तक चुप बनाए रखेंगे? जगिए, आप लोगों से निवेदन है कि आप जगें और इनको मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि आपकी जीवन मेरी जीवन नरक के समान बन चुका है। आप बताएं कि 14,000 सैलरी आपको मिलती है, आप जब रिटायर होंगे 60 वर्ष के बाद आपको क्या मिलेगी? 65 वर्ष के बाद रिटायर होने के बाद क्या कर लेंगे? अपने बच्चों की शादी कर लेंगे? अपनी व्यवस्था को सुधार पाएंगे? आपकी तबीयत खराब होगी, एक मामूली सी तबीयत खराब हो जाए तो आपकी पूरी 65 वर्ष की कमाई आपकी उसी में लग जाएगी। साधारण सी बुखार हो जाए तो आने वाले समय में महंगाई के अनुसार, और 4 घंटे ड्यूटी, 5 घंटे ड्यूटी सरकार देती है। यूनियन वाले लोग कहते हैं कि आखिर 8 घंटे की ड्यूटी की संघर्ष आप करें ना, सभी लोग आपके साथ रहेंगे, आखिर क्यों नहीं करते हैं? इसी के साथ मुझे कहना है मेरे भाइयों, आप सभी जगें,
अपने अपने यूनियन के लोगों से आप पूछें कि मेरी लड़ाई आप लड़ रहे हैं तो किस बेस पर लड़ रहे हैं, आखिर कहीं बुलाया जाता है यूनियन पर, यह ट्रेनिंग है, यह काम है, यह भत्ता दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाता है, वो भत्ता कहाँ चला जाता है, आखिर यूनियन को लोग क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस बात की यूनियन बनी है। इसी के साथ मेरे भाइयों आप सभी को प्रणाम। हो सकता है कि हमसे भी कहीं शब्दों में भूल चुक हो गया होगा, आप हमारे बातों को अन्यथा नहीं लेंगे और इस संदेश को सभी जीडीएस भाइयों के बीच में आप पहुंचाएं ताकि हमारे जीडीएस भाई इसको समझ सकें, जान सकें। इसी के साथ प्रणाम, जय जीडीएस।